26 अगस्त को देश भर में राखी का त्यौहार मनाया गया। आज के दिन बहनों ने पूरे रस्म और रिवाज के साथ अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनसे उपहार प्राप्त करने के साथ ही अपनी सुरक्षा की शपथ दिलवाई। इस मौके पर ब्रह्म कुमारी संस्थान की महिलाओं ने गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राखी बांधने के बाद तिलक लगाकर रक्षाबंधन के अन्य रस्मों की अदायगी की। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राखी बांधने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान की महिलाएं काफी उत्साहित दिखीं। प्रदेश के मुखिया को राखी बांधने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान की महिलाएं सुबह 7 बजे ही गोरखनाथ मंदिर पहुंच गई थी। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद लगभग 8 बजे अपने कार्यालय पहुंचे, जहां संस्थान की महिलाओं ने पूरे रस्म और रिवाज के साथ मुख्यमंत्री को राखी बांधी। ईश्वरीय विश्वविद्यालय से हम लोग आए हुए हैं और ये राखी जो है ये पवित्रता की राखी है। हम सभी आत्माएं एक ही पिता के संतान हैं और आत्मिक दृष्टिकोण से हम सभी आत्मा हैं और एक परमात्मा के नाते हम सभी आत्मा एक ही परमात्मा के संतान होने के नाते पवित्रता की राखी हम सभी बांधते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री जी को आपने और मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने राखी बांधी। क्या कुछ कहा उन्होंने? आशीष वचन दिया कि आप लोग ना है और हाल चल लिया हम लोगों का। ठीक है, नहीं यही गिफ्ट मिला है कि आप लोग खुश हैं, कोई विघन तो नहीं है आपके पास। समस्या तो आप बताइएगा उनके, ठीक है, जब होगा समस्या तो आप सबको बताएंगे। तो राशि के साथ और कुछ चीज़ें आप लोगों ने? हाँ, साल उड़ाया था इनको, गिफ्ट दिया था, साल पत्रिका दिया था, मीडिया दिया था इनका और प्रसाद दिया था।